अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट गनाश घर पे ही। ये बहुत ही ज़बरदस्त केक डेकोरेशन के लिए, चॉकलेट केक डेकोरेशन के लिए ये यूज़ होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है डार्क कंपाउंड, मैंने अमूल का डार्क कंपाउंड लिया है। आप कोई सा भी डार्क कंपाउंड ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि गनाश बनाने से पहले आप उसको रूम टेम्परेचर पर आ जाने दें। तो यहाँ पर रूम टेम्परेचर पे आने के बाद इस तरह के हम पीसेस कर लेंगे चॉकलेट के। एंड देन मैं इसमें उबलता हुआ दूध, जो हमारा ये मिल्क है, ये उबलता हुआ दूध है, इसको मैं आप में 6 टेबल स्पून ऐड करूँगी। आप मिल्क स्टार्टिंग में कम ही ऐड करिएगा, बाद में अगर आपको नीड हो तो और ऐड कर लीजिएगा। अगर आप स्टार्टिंग में ही ऐड कर लेंगे ज़्यादा, तो आपका गनाश ज़्यादा फ्लोइंग हो जाएगा, तो वो केक पे फ्लो होने लगेगा, अच्छे से डेकोरेट नहीं होगा। तो आपको थोड़ा सा इसको छोड़ देना है जिससे कि आपकी चॉकलेट मेल्ट हो जाए। एंड देन आपको इस तरह से प्रेस करते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर देना। आप देखेंगे जो चॉकलेट है, वो जो डार्क कंपाउंड है, वो इटसेल्फ ही मेल्ट होने लगा है, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो ये देखें, हमारे पास ये गनाश रेडी हो गया है। ये बहुत ही ईजिली फ्लो होने वाला गनाश है, ये केक पर बहुत अच्छे से जाएगा। तो यहाँ पर फैन मैं थोड़ा सा इसमें, आपके पास अगर मेल्टेड बटर हो या रिफाइंड ऑयल हो तो आप 1/4 टीस्पून इसमें ऐड कर दें, इससे ये एक शाइनी सा इसका टेक्सचर हो जाता है। वैसे भी आप देख सकते हैं विदाउट बटर एंड ऑयल के भी ये कितना शाइनी टेक्सचर दे रहा है, तो ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप ऐड कर दें तो थोड़ा और ज़्यादा शाइनी स्मूथ सा टेक्सचर आ जाता है। तो ये देखें कितना अच्छा सा हमारा ये गनाश रेडी हुआ है घर पे ही। यहाँ पर मैंने ना कोको पाउडर यूज़ किया है एंड ना ही क्रीम यूज़ की है, तो आप विदाउट कोको पाउडर एंड विदाउट क्रीम आप इसको बनाएं घर पे ही, सिर्फ चॉकलेट एंड मिल्क से। एंड ट्रस्ट में ये बहुत ही अच्छा बन के रेडी हुआ है, आप देखें इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं। तो चलिए, आप घर पे इसको बनाइए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।